हेलो एवरीवन, मैं बहुत दिन बाद आज हाई जंप करूंगा। उस दिन की थी जिस दिन हमने कंपटीशन किया था। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए मुझे जंप किए हुए। मैं सिर्फ स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कर रहा था, बाकी मेरा ध्यान पूरा अभी कंडीशनिंग पे था। तो आज से मैं स्टार्ट करूंगा अपनी जंप्स। आज ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा वार्म अप, मोबिलिटी, चेन डायनेमिक स्ट्रेचिंग होगी, थोड़ी सी हाई जंप पिट पे ड्रिल करेंगे। हाई जंप पिट है मेरी है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ था बारिश में। आज भी देखिए इसमें थोड़ा बहुत पानी भरा ही हुआ है। अपने मैं वार्म अप करूँगा, इतना ये पानी सूख जाना चाहिए। ग्राउंड भी ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये बिगड़ा हुआ है, बट मुझे हमें ये ज़रूरत नहीं है आज। आज मैं सिर्फ डबल स्टेप से करूँगा आज ड्रिल्स, मैट पर भी थोड़ी सी ड्रिल्स करूँगा, बस इतना ही होगा आज के। मैं करूँगा अभी अपना वार्म अप, शुरू करते हैं। स्ट्रेचिंग भी डन, शूज़ पहन लिया मैंने, थोड़ी सी करेंगे जॉगिंग, उसके बाद थोड़ी सी डायनेमिक स्ट्रेचिंग एंड देन हम करेंगे थोड़ी ड्रिल्स अपनी। तो सारी स्ट्रेचिंग डन और अभी मैं चेंज करूँगा अपने इस फुट को और पहनूँगा एक अपना शूज़, उसके बाद हम जाएंगे मैट पर। आप चलेंगे थोड़ा सा फिट पे मैट पर, थोड़ी सी ड्रिल्स कर लेते हैं। मैट की थोड़ी सी ड्रिल्स डन, चलेंगे हम लगाएंगे कोन। कोन लगाने से पहले हम लगाते हैं टेक ऑफ मार्क, मैं लूँगा इतना डिस्टेंस। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक जो मैंने मेजरमेंट की वीडियो बनाई थी, कुछ आके देखिएगा अगर आपको पूरा हाई जंप का रन का मेजरमेंट चाहिए तो। और यहाँ से अगर मुझे सिर्फ 2 स्टेप चाहिए तो मैं लूँगा सिर्फ 4 पेस, 1 2 3 4, यह 4 पेस। एंड रख लेता हूँ कोन, यहाँ से मैं करूँगा देखिए 2 स्टेप ऑनली। पहले करूंगा मैं 2 स्टेप से कुछ पॉपअप्स, चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। ये इनको बोलते हैं पॉपअप। कई सारे फायदे हैं, पहला तो ये आपको रेडी कर देता है, अच्छा वार्म अप दे देता है और एक स्पेसिफिक भी है काफ़ी। तो मैं लास्ट के 2 स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन बाद शुरू कर रहा हूँ हाई जंप, तो धीरे से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड देन जैसे जैसे कंडीशनिंग और ठीक होती जाएगी वैसे वैसे मैं और पीछे से स्टार्ट शुरू कर दूंगा अपना रनवे। अभी 2 के बाद फिर मैं 4 स्टेप लूँगा और फिर 6 अपना मेरा रनवे 6 स्टेप्स का है। तो चलिए अभी करते हैं कुछ जंप्स। हाई जंप मैट है ये भी, अब सूख चुका है ठीक से। आई थिंक आई एम बिट रस्टी, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, या तो मुझे वो हैंग नहीं मिल पा रहा है, वो फीलिंग नहीं आ रही है। और ओवर द बार जो टेक्निक है अभी मुझे बार का अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं जंप कर रहा हूँ। चलिए और ट्राई करते हैं। और ये जंप थोड़ी सी ठीक थी, धीरे धीरे जैसे जैसे जंप सेशंस और होंगे वैसे वैसे ठीक हो जाएगी। ये है देव और उसका बेस्ट है 1.95 आई थिंक प्रवीण के बाद। ये प्रवीण के बाद स्कूल में सबसे ज़्यादा जंप इसकी है अब तक। 3 जंप्स और करूँगा मैं और फिर इसके बाद बंद करूँगा, उसके बाद हम खेलेंगे बास्केटबॉल एंड
आज के लिए इतना ही बस, अगले सेशंस में और हम थोड़ा सा अपना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और ज़्यादा रैप्स बढ़ाएंगे या फिर अलग एक्सरसाइजेस इंक्लूड करेंगे। पहले सेशंस के लिए काफ़ी है क्योंकि अभी हम बास्केटबॉल और खेलना है। चलिए सही हो, टेक केयर।